नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C35 versus Moto E22s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C35 में 6.47 इंच जबकि Moto E22s में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme C35 से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme C35 में 2.98 इंच जबकि Moto E22s में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme C35 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme C35 में 0.32 इंच जबकि Moto E22s में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme C35 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C35 में 189 ग्राम जबकि Moto E22s में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C35 में 6.6 इंचेस जबकि Moto E22s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme C35 में 1080x2408 और Moto E22s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C35 में 84.62% जबकि Moto E22s में 83.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C35 में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Moto E22s में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Realme C35 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Moto E22s की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C35 में Mali G57 MP1 जबकि Moto E22s में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C35 में Unisoc T616 और Moto E22s में MediaTek Helio G37 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C35 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है, जबकि Moto E22s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C35 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Moto E22s में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme C35 में Android V11 जबकि Moto E22s में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Realme C35 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीज, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें Moto E22s की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme C35 में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto E22s की तो उसमें 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme C35 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme C35 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है, दूसरा Poco M4 Pro है, तीसरा Nokia G21 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A4 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।